ओम शांति। ओम शांति। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा कि अपने अपने घर में हर ब्राह्मण बच्चे को एक बाबा का रूम। अच्छा, बाबा का रूम नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, तो कोई एक कोना तो है बाबा के लिए कि वो भी नहीं है। एक कोने में बाबा का फोटो लगा दें और वहां पर रोज योग करें। बाबा ने इतना सब कुछ दिया है तो उसको हम एक कोना ही दे दें। तो जहां आप अपने घर में रोज योग करते हैं वही आपको मदद करेगा अंत में। आप अभी एक नीमच का आपके आप लोगों के पास समाचार आया होगा, वहां पर सेंटर में कैसे बाढ़ आई और सेंटर में भी पानी आ गया, लेकिन जो बाबा का रूम है वो पूरी तरह से सुरक्षित। बड़े बड़े लोहे के अलमारियां, गोदरेज की अलमारियां, वो सब पानी में से तैरने लगे, लेकिन बाबा का ट्रांस लाइट वैसे रखा हुआ, बाबा के ट्रांस लाइट के सामने जो छोटी सी टेबल वो वैसे ही रखी हुई। तो जहां हम बाबा को याद करते हैं वहां वो प्योर वाइब्रेशंस, उसका ओरा आपको मदद करता है। एक आपको हम प्रैक्टिकल घटना बताऊं कि अफ्रीका देश के अंदर कुछ देश ऐसे हैं कि वहां पर चोरों के लिए अलग पैसा रखते हैं कि चोर आवे और आप दे दो वो चले जाएं, नहीं घर में आएंगे, अगर अंदर घुस गए तो चारा ही लूट के लेके जाएंगे। हाँ, अच्छा। तो ऐसे एक बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर भी आ गए, तो वहां पर एक बहन, उस सेंटर पर एक बहन, और वो चोर आया, बहन को धमकाया कि जो कुछ है सब ला करके रख दो हमारे सामने। अब देखो बाबा अपने बच्चों को कैसे मदद करता है। तो उस बहन ने कहा हमारे बाबा के पास है, वैसे उसकी उंगली बाबा के रूम की तरफ गई। तो चोर ने समझा इनके दादा बाबा कोई होगा, चलो उससे मिलते हैं, इन घर का मालिक होगा बाजू में। अच्छा, तो वो बाबा के रूम में जाता है। अब बाबा के रूम में बाबा उसको क्या अनुभव कराता है वो तो बाबा जाने और वो चोर जाने, लेकिन बाबा के रूम से 5 मिनट के बाद वो चोर निकलता है, उसके आंखों में आंसू होता है और बहन के चरणों में गिर जाता है। उस बहन से माफी मांग करके चला जाता है कि मेरे से गलती हो गई। तो ये किसने मदद किया? बाबा ने मदद किया। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो, बच्चे बुलाएं हैं और बाप ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बाबा की मदद मिलती है। ये बाबा की मुरली के महावाक्य कि हर ब्राह्मण बच्चे के घर में एक बाबा का फोटो अवश्य हो। अगर नहीं होगा, नहीं है, तो एक बाबा का फोटो सेंटर से या मधुबन में जाकर के ले आना और अपने घर में लगा लेना, रोज बाबा की याद में बैठना, ठीक है।